हेलो गाइस, वेलकम टू डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, दोनों की लिंक मेरे ओपन कमेंट बेस टेलीग्राम चैनल पे इस तरीके से मिलती है। स्विंग ट्रेडिंग वीडियो इन इंग्लिश, स्विंग ट्रेडिंग वीडियो इन हिंदी। ओके, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और भी ट्रेड्स है, और भी चीजें हैं, बहुत सब कुछ डिस्कस होता है। 1 लाख प्रॉफिट वीडियो इन 7 डेज, ये 7 दिन में जो 1 लाख प्रॉफिट स्विंग ट्रेडिंग से कराया मैंने, और ये सारे स्टॉक्स मैंने डिस्क्राइब भी करे। जैसे इसके ऊपर यहाँ मान लो मैंने ये डाला हुआ है करूर वैश्या बैंक या फिर कोई और, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इस तरीके से। ठीक है, तो इन सारे स्टॉक्स में से किसी किसी स्टॉक में मैं एंट्री करता हूँ, किसी में नहीं करता हूँ, अपने हिसाब से जो मेरा सेटअप बनता है। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने जय भारत का अलर्ट मैंने देखो कब डाला था, 205 पे मैंने अलर्ट आया था, डाल दिया था 205 पे, यहाँ पे डाला था। स्टॉक इज 5 से 6% अप वहां से। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, इट्स गिविंग रियली गुड गेन्स। ठीक है, एंड इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक होगी, उसको जाके अभी के अभी फॉलो करो अगर आप लोग नए हो, और कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो। वी आर एमिंग फॉर 60 लाइक्स फॉर दिस वीडियो। लाइक नहीं करा है तो पहले लाइक कर दो, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो, तो जय भारत मारुति, आप टाइटल से पता चल गया होगा, 3 स्विंग ट्रेड्स हैं यहाँ पे। जय भारत मारुति वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा, अगर ये क्लोज देता है यहाँ पे ये स्टॉक, तो ये एक डबल बॉटम को भी ब्रेकआउट कर रहा है, और साथ में ये एक बहुत ही बढ़िया क्या कहते हैं, ट्रायंगल पैटर्न जिसे कहते हैं, बहुत ही बड़ा ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है, उसको ब्रेकआउट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो है एटलीस्ट 250 तक का एम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है, अब मैं बता दूं, ये कोई कॉल या टिप या कोई एडवाइस नहीं है गाइस। ठीक है, आप लोग खुद भी एनालाइज करो, टेलीग्राम पे आओ, जैसे देखो लोग सिर्फ डिस्कशंस करते रहते हैं, एक दूसरे को आंसर करते हैं, मैं भी उन्हें आंसर करता हूँ, सब लोग डिस्कस करते हैं टेलीग्राम पे कॉमेंट्स में आके। इस तरीके से ग्रो करो, ठीक है, और खुद सीखने की कोशिश करो प्राइस एक्शन को। ठीक है, ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो वही, आप टारगेट क्या है सर, स्टॉप लॉस क्या है सर, ये सब नहीं होगी बातें यहाँ पे। ठीक है, एक पोटेंशियल स्टॉप लॉस जो है वो मैं जरूर बताता हूँ, क्योंकि एक टीच करनी होती है वो चीज। ठीक है, तो अगर ये प्राइस एक्शन खराब हुआ तो कैसे हो सकता है, अगर ये स्टॉक मान लो इसके लो को ब्रेक कर जाए अभी, ठीक है, तो क्या होगा, एनगल्फ हो जाएगी कैंडल। अब बियरिश एनगल्फिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो कब यूज होता है, वीकली डेली पे कैसे यूज होता है, मल्टी टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और हॉल्ट प्राइस क्या होता है, और एक कंसोलिडेशन के बाद ये मतलब एक मूवमेंट क्या होता है, इस तरीके से। तो बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए इंसान को, ऐसा नहीं कि बस स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, हो गया काम। ठीक है, सो कीप लर्निंग। सो अभी ये अच्छी एक ट्रेड दिख रही है, लुक्स प्रीटी गुड टू मी, एंड इसका फर्स्ट टारगेट तो मैं अपना ये रखूंगा, सेकंड टारगेट अपने लिए ये रखूंगा। आप लोगों की क्या थिंकिंग है, व्यूज क्या है, टेलीग्राम पे आओ बताओ मुझे आके। ठीक है, सेकंड स्टॉक विल बी गार्डन रीच शिपयार्ड। सो गार्डन रीच शिपयार्ड में मुझे क्या लग रहा है कि एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे, हायर लोज क्रिएट करे हैं स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स, और बिफोर द ब्रेकआउट ऑल्सो एक मदर बार फॉर्मेशन आपको दिखेगी। अब मदर बार का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए इंसान को, ठीक है, कि अगर ये जो मदर बार है इसके अंदर 1, 2, 3, 4 दिन कंसोलिडेट करा है, पिछले पूरे हफ्ते ये कंसोलिडेट करा है, अब ये निकल रहा है पहले हफ्ते मतलब वीक के पहले दिन। ठीक है, तो क्या पता ये अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट देके एक अपवर्ड मूवमेंट दे, या तो क्या पता बैक टू बैक अपवर्ड मूवमेंट भी दे सकता है और वीक पे ऊपर क्लोज कर जाए, ठीक है, फिर एक नीचे फॉल आए। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन डेवलप हो सकता है, वॉल्यूम्स इंक्रीज कर रहे हैं, जय भारत में भी वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम का बस्ट आया हुआ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, सो ये भी अच्छा लग रहा है स्टॉक। टारगेट्स की अगर इसकी बात करें, सो हम लोग निकाल सकते हैं कि ये जो फॉल था, ठीक है, इसी को हम काउंटर करके यहाँ पे रख देते हैं ब्रेकआउट पॉइंट पे। सो एक यहाँ तक का एक टारगेट निकल के आ रहा है अच्छा खासा पहला, ठीक है, मतलब वन ऑफ द टारगेट्स। और इस तरीके से जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि ये एक जोन भी है टारगेट प्रॉफिट बुकिंग का। सो दो अच्छे प्रॉफिट बुकिंग जोन्स, यहाँ से 7% का स्टॉप लॉस लेके 10% टारगेट नंबर वन, ठीक है, एंड अराउंड अराउंड 18% एज टारगेट नंबर टू। इसको नीचे कर लेते हैं, ये दो टारगेट्स मेरे निकल के आ रहे हैं इन GRSE, ठीक है, तो ये भी अच्छी ट्रेड लग रही है। थर्ड ट्रेड की बात करते हैं तो हमारा आ जाता है गोदावरी पावर। गोदावरी पावर में आप देखोगे तो काफी टाइम बाद इसने इस नोड को यहाँ रिस्पेक्ट किया था, अब उसके रिस्पेक्ट करने के बाद उसने फिर रिस्पेक्ट करा और इस बार उसको ब्रीच कर दिया। ब्रीच करने पे वॉल्यूम्स आप देख सकते हो, ग्रेट वेरी गुड वॉल्यूम्स, ऊपर हायर हाई बन रहा है, ठीक है, एंड वेरी गुड कंसोलिडेशन एज वेल हियर, ठीक है। सो इस कंसोलिडेशन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है, आप देख सकते हो प्राइस जब ऊपर जा रहा था वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे थे, और प्राइस जैसे ही साइडवेज चला गया लंबे समय के लिए, आप देख सकते हो साइडवेज हो गया। पावर वाले स्टॉक्स, इंफ्रा वाले स्टॉक्स ये अभी मूव भी कर रहे हैं अच्छा, और ये वॉल्यूम जो आया है मुझे लगता है कि हम एक अच्छा सा स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे एनगल्फिंग, वही बियरिश एनगल्फिंग वाला कॉन्सेप्ट फिर लगेगा यहाँ पे। ये पहला टारगेट, और बड़े टारगेट्स की बात करें तो यहाँ तक भी जा सकता है ये स्टॉक। रीजन क्या है, रीजन अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा रीजन है यहाँ पे,
ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, तो ये एक सपोर्ट एरिया है ठीक है, एंड ये हायर हाई एरिया है ठीक है। तो स्टॉक जो है इसको टच करता है नीचे आता है, कभी कभार टच नहीं कर पाता, कभी कभार टच करके नीचे आ जाता है, फिर यहीं पर रह जाता है। ये पूरा जोन एक रेजिस्टेंस जोन है ठीक है, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर ट्रेड करने के बाद अब निकल रहा है, तो क्या पता फिर से इसको टच करे जाके ऊपर ठीक है, और क्या पता यहीं से एक रिट्रेसमेंट देके फिर टच करे ठीक है। तो दो तरीके हो सकते हैं, इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग के भी दो ऊपर टारगेट्स हो सकते हैं, ये वन टारगेट टू टारगेट ठीक है। ये थी मेरे तीन ट्रेड्स, इस तरीके से मैं इनको डिफाइन कर रहा हूँ ठीक है। अब बाकी सारा एनालिसिस और बातें करेंगे हम लोग मार्केट बंद होने पे ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग ये वाला वीडियो हमारा, 1 लाख प्रॉफिट वाला वीडियो, वो पहुंच चुका है मोर देन 1000 व्यूज, 1100 व्यूज से भी ऊपर पहुंच चुका है, एंड मोर देन 200 लाइक्स हो चुके हैं उस पे। सो इसका जो पार्ट टू है वो मैं बनाने लग गया हूँ अभी ठीक है। तो उसमें कुछ भी होगा एंड वो जैसे ही बन के रेडी हो जाएगा ठीक है, जैसे ही एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एजुकेशनल कंटेंट उसमें आ जाएगा, तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा पार्ट टू को भी ठीक है। वो टेलीग्राम पे होगा, तो इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। पॉज करो वीडियो, लाइक करो, और नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहली लिंक है उसको दबाओ, और बाकी कल मिलते हैं फिर।